नमस्कार। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। इसी बीच काशी के डोमराज परिवार ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण किसी और को मिलने की बात पर नाराजगी जताई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए काशी का पहला निमंत्रण डोमराज परिवार के सदस्य अनिल चौधरी को दिया गया था। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े स्वामी जितेंद्रानंद ने अनिल चौधरी को ये निमंत्रण पत्र दिया था, लेकिन निमंत्रण पत्र मिलने के साथ ही इस पर विवाद भी शुरू हो गया। डोमराज परिवार को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र मिलने का इंतजार था, लेकिन इन्होंने आरोप लगाया कि जिस अनिल चौधरी को निमंत्रण मिला है उसका डोमराज परिवार से कोई संबंध नहीं है। ओम चौधरी ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण पत्र उन्हीं को मिलना था। निमंत्रण नहीं मिलने से परिवार को बहुत दुख हुआ है। आपको बता दूं कि बनारस ही एक ऐसा शहर है जहां लोग मरने की कामना करते हैं। कहा जाता है कि बनारस में अंतिम सांस लेने का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति होना। अब जहां मौत और मोक्ष का नाम आया तो बनारस शहर के डोमराजा का नाम जरूर आएगा। कहते हैं डोमराजा के हाथों से ही यहाँ आने वाले शवों की आत्मा को मुक्ति और मोक्ष मिलता है। तब से काशी में तीन राजाओं की परंपरा है, एक भगवान शिव, दूसरे काशी नरेश और तीसरे डोमराजा। अभी डोमराजा की गद्दी पर 19 साल के ओम चौधरी हैं, उन्हें डोमराजा की मान्यता मिली हुई है। तो अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण हरीशचंद्र घाट के अनिल चौधरी को मिला है। डोमराजा परिवार के ओम चौधरी ने कहा कि जिस अनिल चौधरी को ये निमंत्रण मिला है वो एक कर्मचारी है, परिवार से उसका कोई संबंध नहीं है। इस मामले पर ओम चौधरी की बुआ शारदा देवी ने कहा कि भगवान राम का नाम ही लेकर आदमी अपनी अंतिम यात्रा पूरी करता है, हमारा परिवार सदियों से उसमें सहायता कर रहा है। कायदे से तो हमारे भतीजे को ही वहां रहना चाहिए था जो डोमराजा की गद्दी पर है, पर पता नहीं कहां से ये निमंत्रण गलत आदमी को मिल गया। अब होगा यही कि राजा कोई और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाएगा कोई और। डोमराजा की गद्दी पर बैठे ओम चौधरी के पिता और तब के डोमराजा जगदीश चौधरी 2019 में पीएम मोदी के लोकसभा चुनाव में प्रस्तावक थे। उनको सामाजिक कार्यों के लिए मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। तब उनकी तरफ से ये सम्मान ओम चौधरी ने ही लिया था। उनके निधन पर पीएम मोदी ने शोक भी जताया था। पीएम मोदी ने परिवार से उनका हाल चाल भी पूछा था। इतना ही नहीं, कार सेवकों और राम सेवकों के सम्मान में डोमराज परिवार ने 1994 में काशी में सहभोज नाम का आयोजन भी किया था। ऐसे में परिवार के बाकी लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि प्राण प्रतिष्ठा में डोमराजा ओम चौधरी को बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ओम की जगह कार्यकर्ता अनिल चौधरी को निमंत्रण भेजा गया है, इस वजह से डोम परिवार को बहुत ठेस पहुंची है। हालांकि ये बात साफ नहीं हो पाई है कि निमंत्रण गलत फहमी से भेजा गया है या जानबूझकर। फिलहाल के लिए अभी इतना ही।